देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उनमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। अब तक सिर्फ 71% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहाँ तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190, खपत 90,53,523, जिसमें से 6% बर्बाद हुई। पाइपलाइन में वैक्सीन 7,43,280। ये ट्वीट किया गया है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया और ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सच्चाई सामने रख दी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैलाकर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन में सुधार ही असल परीक्षा है।